संपूर्ण डेयरी ज्ञान की क्लासेस में मैं आपको जो है ऑनलाइन ये बता रहा हूँ कि इसका टम्बी का वैक्सीनेशन कैसे करिएगा। तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल इसे बनाती है और ये 25, 50 और 100 की डोजेज में मिलता है। ये लाइफ, ये एटेन्यूएटेड वायरस है, लाइव वायरस है और ये ड्राई फ्रीज लाइफोलाइज करके ये मिलता है और इसकी वाइल जो है आपको रेफ्रिजरेटर में 8 डिग्री पर रखना पड़ेगी। तो आप उसे रखे रहिए, इसका डाइल्यूएंट है, उसको आप पहले ठंडा करिए और उसमें से थोड़ा सा डाइल्यूएंट, ठंडा डाइल्यूएंट में ला के इसमें वाइल में डाल दीजिए, उसको घोलिए और फिर उस सारे को उस डाइल्यूएंट में डाल दीजिए। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो उसको तुरंत ही यूज़ करिए, बर्फ में ही रख के उसको यूज़ करिए। 1 ml सब कट लगाना पड़ता है और 4 महीने से ऊपर के जानवर को आप लगा सकते हैं। तो इससे फिर इम्यूनिटी जो बन जाएगी, जो पशु बीमार हैं उनमें मत लगाइए और जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड वो है उसको आप 4 डिग्री पे रख सकते हैं, पर जल्दी से जल्दी उसे यूज़ कर लीजिए, उसको डीप फ्रीज ना करें। और जो इसका वो डाइल्यूएंट है आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं और उसको बनाते वक्त आपको उसको ठंडा कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल और भी वो बना रहे हैं, आप नेट पे देख लीजिए और जो कुछ भी रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करिए। ये गोट पॉक्स का ही काम करता है और ये उत्तरकाशी स्ट्रेन है गोट पॉक्स का। और शीप वाला यूज़ मत करिए, शीप वाला यूज़ मत करिए, गोट एंड शीप वाला हो तो ठीक है, वो चले चले। ये लंबी के विषय में है और ऐसे सावधान रहिए और हर साल कर दीजिए तो आपका आपके फार्म में ये बीमारी नहीं आएगी। अगर आप नया एनिमल लाते हैं तो उससे भी सावधान रहिए। तो धन्यवाद, आपने सुना। मैं अथैया हूँ और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और मैं डेयरी में कोर्सेज भी चलाता हूँ। वैसे आप कभी भी कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछिए, नंबर जो है वो 8979748686 है एक नंबर। और जो एम्ब्रियो ट्रांसफर या मतलब कैमरे वाली एआई गन में इंटरेस्टेड है वो 7979848332 पे बात करें।